वंदे मातरम। ये मेरा वीडियो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए है। डायरेक्ट मैसेज है, हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी समस्या जिसको टाला जा रहा है, रोजगार के बारे में सवाल उठाया जाता है तो उन लोगों को गद्दार क्यों कहा जा रहा है। अगर देशद्रोहियों को वतन के खिलाफ बोलने का उसी किताब के आर्टिकल 19 ने एक अधिकार दिया है तो क्या एक युवा को भारत के ये अधिकार नहीं है कि वो सवाल पूछ पाए। कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, समाजवादी हो, जो विपक्ष में होते हैं तो वही चीज बुरी होती है, जब पक्ष में आ जाते हैं तो वही चीज सही लगने लगती है। और मैं आपसे एक ही बात डायरेक्ट कहना चाहता हूं, और ये सच्चाई है, बेरोजगारी जिस स्तर पर पहुंच गई है कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। हमें मुद्दों को दबाना नहीं है, अगर ये मुद्दे दबाए गए तो आगे चलकर ये बहुत बड़ी देश की समस्या हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा मोदी साहब, कहां पर गलतियां हो रही हैं? एग्जाम करवा दिए जाते हैं, एग्जाम क्यों? प्रेशर में पैसा ले लिया जाता है, उन गरीब बच्चों से कहां कहां से आकर वो एग्जाम देते हैं। अब वो सरकारी एग्जाम अगर करवाए जाते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि उनके रिजल्ट क्यों नहीं दिए जाते हैं, और अगर ये रिजल्ट नहीं दिए जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं डंडा चलाते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपको बेरोजगारी पर बात करने से चुप कर देती है? क्योंकि जब तक ये जवाब नहीं दिए जाएंगे ना, ये सवाल हवाओं में घूमते रहेंगे। आज भी इस देश में ना दो बहुत बड़ी बातें मानी जाती हैं, एक सरकारी नौकरी और दूसरा विवाह। क्या आपकी ही सरकार के कुछ लोग हैं जो भटका रहे हैं? जब ये पूरी महामारी चली, वैक्सीनेशन आ गया है, देखिए इसमें भी करप्शन ना हो ये भी आपको देखना है, समस्याएं हैं, लेकिन मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि ख्वाहिशें जिंदा रहना जरूरी है, वरना कल सुबह उठने का मकसद क्या होगा। सरकार जो आराम से कर सकती है आपके लिए सिर्फ इतना सा काम है, आप अगर चाह ले, अगर पूरी सरकार चुनी हुई है, विपक्ष कुछ नहीं है आज, कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सीधा है, अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करिए, जो इसके लिए जिम्मेदार हो, इसको जो भी इसमें करप्शन हो रहा है उसके लिए जो जिम्मेदार हो, उठाकर नया कानून बनाइए, उसको करप्शन में सीधे अंदर डालिए। अब मेरा मैसेज उन युवाओं के लिए, मानसिकता है इस देश में ना वो बदलना पड़ेगी। जब तक इस देश में ये दो वाक्य जिंदा रहेंगे ना, ये देश कभी तरक्की नहीं करेगा। एक, बने रहो लुल और पेमेंट पाओ फुल, जो सरकारी लोग, कई लोग कहते हैं, और दूसरा, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। साहब ये वतन आपका मेरा है, पूरे हक से ना नमक का फर्ज अदा करें। देखिए माटी का फर्ज सबकी औकात नहीं है, लेकिन नमक का तो कर सकते हैं ना फर्ज अदा। तो जो भी ये यूथ है उसके लिए ये मैसेज है, आप प्राइवेट काम में क्यों नहीं जाते हैं? लाखों करोड़ों ऐसे काम है जहां आप अपना घर चला सकते हैं। जंगल में कोई किसी को खाना बना के नहीं देता, और ये लोग नाकारे होते हैं जो कहते हैं हमें काम नहीं मिल रहा है। ऐसा है, मुझे पता है काम छूटे हैं लोगों के, लेकिन भूखा नहीं मरे हैं लोग। आपको जो काम मिले यार, छोटा बड़ा सब काम, भारत के कानून के खिलाफ नहीं है जो काम आप करिए, किसने रोका है? इस देश की अगर बात करें, दुनिया की सबसे अमीर जो लोग है ना, वो सब प्राइवेट लोग है। सरकार को दोष देना और उसको गालियां बकना ये भी गलत है। आप खुद देखिए कि आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या किया। बहुत सीधी सी लाइन है, अगर आपको जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे पास आज तक नहीं है, तो साला उठो और वो मेहनत करो जो तुमने आज तक की नहीं है।